आज पूरी में हमारा डे फोर है और डे फोर पे हम जा रहे हैं चिल्का लेक, और चिल्का लेक के लिए तैयार हो चुके हैं। 7 बजे की हमारी जो है OTDC की टूरिज्म बस हमारी वहाँ पर तैयार खड़ी हुई है। गर्विश तो रो रहा था, गर्विश को उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल भी कल हम काफ़ी थक गए थे। तो डे फोर चिल्का लेक चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ चिल्का लेक में क्या क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम आ चुके हैं अब यहाँ पर पंथ निवास, यहाँ से हमारी बस जाएगी OTDC गवर्नमेंट की तरफ से। जो है जो टूर पैकेज प्लान किया जाता है उसकी तरफ से हमने ये पैकेज प्लान किया है, और काफ़ी बढ़िया पैकेज है। और आज हमारा है डे फोर। डे फर्स्ट पे हमने क्या किया था, डे फर्स्ट पे हमने लोकल घूमे थे, डे टू पे हम जगन्नाथ टेम्पल गए थे, डे थ्री पे हम जो है आसपास की हमने वो चीज़ें कवर की थी, मतलब दूर दूर की चीज़ें कवर की। इसमें कोणार्क जू था और तुम्हारा उदयगिरी हिल्स थी, मतलब बहुत सारी जो आसपास की है, सूर्य मंदिर हो गया। और आज जो है डे फोर पे हम जा रहे हैं चिल्का झील, वर्ल्ड फेमस चिल्का झील हम जा रहे हैं। बस हमारी पीछे खड़ी हुई है, हम आपको बस दिखाते हैं कैसी है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बस है, बस खड़ी है। और चिल्का झील का सफ़र हम यहाँ से चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग, खूबसूरत मॉर्निंग के साथ, खूबसूरत सुबह के साथ। पूरी से 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम। ये जगन्नाथ अलारनाथ मंदिर में अभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। इसके बाद जो 20 किलोमीटर का रास्ता चिल्का झील जाएंगे, और फ़ोन मोबाइल यहीं पर हम जमा कर देंगे। अब फ़ोन मोबाइल जमा कर रहे हैं यहाँ पर, और मंदिर दर्शन के बाद मिलते हैं। मंदिर दर्शन के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल लिए अपनी बस की तरफ। लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी खाई और रसगुल्ले खाए, जो कि छैना के रसगुल्ले थे, काफ़ी टेस्टी थे। मैंने एक और खाया भी, आप कभी आओ तो यहाँ पर जो है पूरी के छैना के रसगुल्ले ज़रूर खा रहा, बहुत टेस्टी है। अब बस हमारी खड़ी है, बस पर जाते हैं, देखते हैं आगे का सफ़र। 1.5 घंटे में हम चिल्का झील पहुँचेंगे यहाँ से। हेलो भाई, बस चल चुकी है, बोलो बस। चिल्का लेक के लिए चल गई है, और हम 1.5 से 2 घंटे में चिल्का लेक पहुंच जाएंगे। और आप सब मेरे साथ वर्चुअली एंजॉय करना। मेरा नाम है गर्विश। 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद बस हमारी जो है फाइनली चिल्का झील आ चुकी है। तो ये देखिए, ये यात्री निवास, ये यात्री निवास में देखो गर्विश शैतानी कर रहा है, देखो। अगर चिल्का लेक जाना है तो यहाँ पर जो है रेंट की टोपी जो है कैप मिलती है 20-20 रुपए की, ये आप जो रेंट की ले सकते हो कैप। ये देखिए, ये तो खैर हमारी खरीदी हुई है 100 रुपीस की। मैंने इनसे बोला था कल 20 रुपए की इनको किराए पे मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने पैसा खर्च करा दी, कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए की रेंट। मैंने भी रेंट पे ले ली 20 रुपए की। कैसी लग रही है?
बढ़िया, मैंने रेंट पे ले लेकिन जब पूछूं भैया पैसे कब दे रहे हैं अभी, इसे पैसे अभी देने आके आने का टाइम पैसा क्या, पैसे आने के बाद देने हैं भाई, कह रहे हैं 20 रुपए की रेंट है, ठीक है। चिल्का लेक जाने के लिए यहाँ पर 20 रुपए की रेंट की आप कैब ले सकते हो, 100 रुपए की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और हम चिल्का लेक के लिए निकले, ये हमारा पूरा OTTC ग्रुप, सबसे पहले हम जाएंगे म्यूजियम, उसके बाद चिल्का लेक, उसके बाद शायद म्यूजिकल शो होता है यहाँ पर। ये चिल्का लेक की पूरी आइटनरी लिखी हुई है यहाँ पर, कैसे क्या क्या है सब पूरा चिल्का लेक। ये पूरा OTTC ग्रुप हमारे पीछे, हमारे साथ, हमारे आगे आ रहा है, और हमारे ये हमारे पीछे भी ये हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलकाता से हैं। और ये गर्मी से है। देख लिया है और इसके अंदर जो है कि शो दिखाया गया था, इसमें चिल्का लेक की पूरी जो है हिस्ट्री बताई गई थी। ये पीछे है, अब धूप भी बढ़ती जा रही है, अब जा रहे हैं हम चिल्का लेक बोट राइडिंग करने, और शायद 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे बोट राइडिंग करने में। यही है चिल्का लेक की खूबसूरती, जिसे लोग इतनी दूर से देखने के लिए आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गर्मिश क्या हो रहा है गर्मिश? हाँ नहीं नहीं मम्मी को तो डॉल्फिन मिलेगी, अब यहाँ पर डॉल्फिन बीच, यहाँ मिलेगी डॉल्फिन, दिखी देखो यहाँ से निकली थी डॉल्फिन। दोस्तों यहाँ पर डॉल्फिन है, और डॉल्फिन देखने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं।
एक बोट हो रही है वो भी डॉल्फिन देखने की रुकी हुई है, और हम भी यहाँ डॉल्फिन देखेंगे क्योंकि डॉल्फिन देखने को मिलेगी, लेकिन हमें शांत रहना है। सामने मुझे दिखा डॉल्फिन कुछ थोड़ी सी डॉल्फिन है गाइस, गाइस ये आपको पता नहीं इसमें दिख रही हो ना दिख रही हो, लेकिन डॉल्फिन हमने बहुत बार देख लिया, पर देखो 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 कोशिश वो देखो डॉल्फिन हमारे साथ ही डॉल्फिन चल रही है, पीछे बहुत सारी सब डॉल्फिन देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये तो लकड़ी है, देखो कर रहा हूँ मैंने पकड़ रखा है इसे, देखो देखो वाओ इधर इधर ना ना उधर डेम एक प्राइवेट बोट बोट आवाज करते हो, हाँ हाँ लुक है दोनों के बोट भरा किया है बढ़िया वही अब हम जा रहे हैं एक आइलैंड पे चिल्का लेक के अंदर, ये एक आइलैंड है वहाँ पर हमें बोट ले जा रही है, और आइलैंड पे जाएंगे देखते हैं वहाँ पर आइलैंड पे हमें क्या देखने को मिलता है। चिल्का लेक पे हमने जो है डॉल्फिन देखी, डॉल्फिन बहुत सारी है, बहुत सारी हमने डॉल्फिन देखी, ग्रुप में भी डॉल्फिन देखी। अब जा रहे हैं एक आइलैंड जो कि चिल्का लेक के अंदर ही है आइलैंड, हम काफ़ी देर हुए बैठे हुए, अब जा रहे हैं आइलैंड। तकरीबन एक घंटा सफ़र करने के बाद चिल्का लेक में फाइनली सामने देखो आइलैंड, वो आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, आइलैंड है, इसके पीछे समुद्र है। राजहंस आइलैंड इसका नाम है, राजहंस आइलैंड। अगर मेरी आवाज़ पता नहीं साफ़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये पीछे मेरे है चिल्का लेक, और इस तरफ हम उस पार जाएंगे तो मिलेगा हमें बंगाल का महासागर, और समुद्र की आवाज़ यहीं से ही आ रही है बहुत। अभी निकलते हुए तक जाने के लिए हमें जो ये आइलैंड का जंगल पार करना पड़ेगा पहले। हमारा OTDC ग्रुप सबसे पीछे, सब पीछे आ रहे हैं और कुछ आगे चले गए हैं। क्या हुआ, थक गए? अभी ज़्यादा दूर भी नहीं आए, 5 मिनट भी नहीं हुए, तो चलते। हाँ अरे बाबा ये आइलैंड कब ख़त्म होगा, बहुत बड़ा है, थक गए, मिट्टी है नीचे और मिट्टी में चला नहीं जा रहा, गर्मी से मेरी गोद में है, सब पीछे आ रहे हैं। फाइनली लगता है मुझे ये ख़त्म होने वाला है, ये रेत चढ़ने के बाद लगता है पीछे समुद्र है, पीछे आने वाला है। वाह देखो आगे आगे रहा, वाह फाइनली। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ लग रही होगी, इसलिए मेरी आवाज़ आ नहीं रही है, आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन देखो बे ऑफ बंगाल का अथाह महासागर हमारे सामने, बहुत बड़ा, बहुत 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 ही अद्भुत है। वाओ क्या बात है गाइस, गाइस एक चीज़ दिखा तुम आपको, वाओ वाओ गाइस ये देखो, गर्विश इस तरफ। बंगाल के महासागर में बीच पे हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, और ये बस छोटे छोटे देख रहे हैं, यहाँ पर केकड़े हैं, केकड़े बहुत सारे, लेकिन हम जैसे जाते हैं भाग के डर के घुस जाते हैं, वो डर के छिप जाते हैं।
अब हम जा रहे हैं चिल्का लेक की तरफ। ये हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी फोटो खिंचवाई, हमें टल देखने को मिला और इन्होंने बहुत सारी टिकटॉक बनाई। और घर भी इसको देखो, अभी भी एक्साइटेड है समुंदर के अंदर जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड है देखो। लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, दूर दूर तक समुद्र, वाह। अब हम थोड़ा एक नारियल पानी पियेंगे। ये निशा जी बनाने में, वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, मेरे शूज वहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये अब हम जो है जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी जंगल भी क्रॉस करना है, जंगल क्रॉस करके उधर चिल्का लेक आएगी और उसके बाद हम जाएंगे बोट में। एक से डेढ़ एक घंटा हमें मेन जगह पे जाने में लगेगा, फिर हमें लंच भी करना है। तो चिल्का लेक का सफ़र देखते हैं आगे क्या रहता है। मुझे तो लग रहा है शायद यही फाइनल है, क्योंकि लास्ट हम समुद्र तक आ चुके हैं। पूरी चिल्का लेक पार करके अपने शूज पहनते हैं और नारियल पानी पी के चिल्का लेक का टूर यहाँ पर ख़त्म। चिल्का लेक रूट का टूर यहाँ पर ख़त्म। एक से डेढ़ घंटा यहाँ पर आने में लगा, 20 से। और अब कुछ लंच करेंगे, भूख लग रही है काफ़ी, गर्मी सो गया है और थके भी हुए हैं काफ़ी, बस में बैठ के सोएंगे। चिल्का लेक का सफ़र यहाँ पर हुआ ख़त्म। दिन के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 और है, 24 तारीख। अब हम लंच करेंगे, लंच के बाद दोबारा से पुरी हमें जो है छोड़ दिया जाएगा। चिल्का लेक से पुरी की टाइम लगेगा कम से कम, नहीं तो 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और इसी के साथ हम जो आपको बाय बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।